से भी खुश होगी। अरे तुम क्या देख रहे, जाओ डॉक्टर को बुला लो जल्दी से। सुमन जी और मुझे कमरे में ले चल, चल जल्दी लेटा दे उसको। हे भगवान जीजा। नहीं नहीं बस ओके आ जाओ। हेलो हाय नमस्ते, मैं श्वेता आप सबका स्वागत करती हूँ ई बर्ड्स में। मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आपका मन पसंदीदा शो सुमन इंदौरी, जिसमें नजर आ रहा है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि देवी का कुछ ना कुछ साजिश रच रही है, जहां पर उसके तुरंत बाद नजर आ रहा है सुमन बेहोश हो गई है, जिसे उठाकर तीर्थ अपने कमरे में लेके गया है और सभी घर वाले वहां पर मौजूद है। सुमन की तबीयत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रही है, जहां पर वो पूरी तरह बेहोश हो गई है। पर जैसे ही सब घर वाले रूम से बाहर जाते हैं, तीर्थ भी चला जाता है, तभी देवी का वहां पर खड़े होकर सुमन को कोई टॉन्ट मार रही है, कुछ बातें कर रही है सुमन से, पर सुमन कुछ सुन नहीं पा रही है, सुनने की हालत में नहीं है क्योंकि उन्हें होश नहीं है। पर कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि सुमन के बेहोश होने के पीछे देविका है, ये नजर आ रहा है कि सुमन के बेहोश होने के पीछे देविका की कोई साजिश है। अभी आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।